नमस्कार क्लास 12। आज उपस्थित हैं फिर से अपनी इसी हिंदी की कक्षा में, जिसमें आनंद यादव जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास जूझ के विषय में पूरी जानकारी से आपको परिचित करवाया जा रहा है। जूझ ये शीर्षक ही इस बात का ज्ञापन करता है, अभिव्यक्ति देता है कि वास्तव में कैसे संघर्षपूर्ण परिस्थितियां वे रही होंगी, जिसमें से उलझ करके, जिनसे लड़ झगड़ करके, जिनसे भिड़ करके, जिनका सामना करके लेखक ने अपने लिए अध्ययन अध्यापन की इन सारी परिस्थितियों को कामयाब बनाया और वो अपने इस कार्य में साकार भी हुआ, समर्थ भी हुआ। जूझ जो है वो एक उपन्यास है और यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। जो बात मैं बता रही हूँ उनको अपनी पुस्तक के ऊपर पेंसिल से लिखते चलना कि आनंद यादव, पूरा नाम आनंद रतन यादव के द्वारा आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया ये उपन्यास, जिसमें जो कैरेक्टर है, जो मुख्य चरित्र है, जो मुख्य पात्र है, वो और कोई नहीं बल्कि लेखक खुद है। यानी ये लेखक की कल्पनात्मक रचना नहीं है बल्कि एक जीवंत गाथा है। आनंद यादव, जिनका जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था और मराठी भाषा के साहित्य को समृद्ध बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यही कारण है कि पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर मराठी विभाग में भी वो अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे और जूझ जो उपन्यास लिखा था, इस उपन्यास के कारण इस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इन्होंने हालांकि उपन्यास भी लिखे, कविताएं भी लिखी, आलोचनात्मक कथन भी लिखे। अब बात आती है पाठ के परिचय की। पाठ जो अपने नाम को ही सार्थक बना रहा है, जिसके विषय में आपके अभ्यास प्रश्नों में अंतिम प्रश्न दिया गया है, क्या ये जूझ जो टाइटल है ये बिल्कुल उचित है? उचित है तो क्यों, और अगर अनुचित है तो क्यों? अपने उत्तर के स्पष्ट करने में प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, ये सारी बातें। ठीक है, जूझ क्या है कि इसमें ये जो कैरेक्टर है, ये जो बंदा है, ये जो व्यक्ति है, ये जो लेखक है, वो हर स्थिति में पढ़ने की लालसा अपने भीतर लिए है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई के अलावा ये साहित्य, संगीत या अन्य विषयों में भी अपनी रुचि दिखाता है और इसी रुचि के कारण आगे जाकर के यह किसी एक विशेष भाषा के साहित्य को समृद्ध करने में भी अपना ही भूमिका निभाता है। ये और कोई नहीं बल्कि लेखक स्वयं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इसी पाठ की ओर। लेखक बताता है, पाठशाला जाने के लिए मेरा मन तड़पता था, लेकिन दादा यानी पिताजी, ये बात आपके 10th क्लास के पाठ में भी आई थी, बड़े भाई साहब ने दादा गांव में पिताजी को कहा जाता है, संबोधित किया जाता है। दादा के सामने खड़े होकर ये कहने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी, मैं पढ़ने जाऊंगा, डर लगता था हड्डी पसली एक कर देगा, इसीलिए मैं इस ताक में रहता था कि कोई दादा को समझा दे। ताक में यानी इस फिराक में रहता था, मौके की तलाश में रहता था कि कोई मेरे पिताजी को तो समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा, जो बाबा के समय था, बाबा यानी दादाजी, और दादा के समय में नहीं रहा, यानी अब मेरे पिताजी वाले टाइम में वो नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में ढकेल रही है, क्योंकि खेती बाड़ी में जो आमदनी है, उस आमदनी के द्वारा आप अपने पूरे जीवन का अच्छे से निर्वाह नहीं कर सकते। गड्ढे में ढकेलना पतन की ओर ले जाना, पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, चार पैसे भी हाथ में रहेंगे और विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार भी शुरू कर सकूंगा। विठोबा अन्ना गांव का ही कोई व्यक्ति है जो पढ़ लिख करके थोड़ा सामर्थ्यवान बन चुका है। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार मेरे भीतर चलते रहते थे। किसके भीतर बेटा जी? आनंद यादव के भीतर। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पैरने का कोल्हू चलाना होता है। ईख यानी गांवों के खेतों में जब गन्ने पक कर के तैयार हो जाते हैं तो उन गन्नों को तोड़ करके एक वो क्या बोलते हैं, कोल्हू चलाना, इस तरह का वो एक बहुत बड़ा लकड़े का लठ सा होता है और उसको गोल गोल घुमाया जाता है ताकि गन्ने में से क्या निकाला जाए, सारा रस, और उस रस को कई देर तक गोल गोल घुमा घुमा के उसको गाढ़ा कर दिया जाता है, फिर उसकी गोल गोल बॉल्स बना करके गुड़ तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं ईख पैरने का कोल्हू। इस कोल्हू को चलाने में जो दादा हैं यानी जो पिता हैं, उनकी समझ थी कि थोड़ी जल्दी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है, क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे जो गुड़ आएगा तो नए गुड़ की कीमतें भी क्या होगी, अच्छी होगी,
कीमत ऊंची होगी, मांग ज्यादा होगी तो माल ज्यादा बिकेगा। तो लेखक के पिता का यह मानना था कि ईख जैसे ही पक करके तैयार हो जाती है तुरंत जो है ईख पैरने का कोलू शुरू कर देना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा गुड़ बन करके उसको मार्केट में बेचा जाए और अच्छे से गुड़ की कीमत मिल सके। लेखक कहता है कि यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी, किसकी, पिताजी की। लेकिन जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते हैं तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी भाव नीचे गिर जाते हैं। उस समय नंबर एक का गुड़, नंबर दो का गुड़ बहुत आता है और हमारे खेतों पर बनाए गए नंबर तीन के गुड़ को फिर कौन कोसता है। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। दूसरे किसान क्या सोचते थे, उनका ये मानना था कि ईख को थोड़े और दिन खेत में खड़ी रहने दिया जाए, जिससे उसके अंदर का रस क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़े रस में कोल्हू कम चलाना पड़ेगा और गुड़ भी जल्दी और ज्यादा तैयार हो जाएगा। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है, रस गाढ़ा होता है, जिसके कारण गुड़ आसानी से निकलता है। लेकिन पिताजी की समझ में गुड़ ज्यादा निकालने की बजाय भाव ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू हो जाता था। अब पापा जी तो उसको खेती में लगा चुके और उसको था पढ़ाई में इंटरेस्ट। अब वो क्या करेगा, किसके पास अपनी सिफारिश लगाएगा, उनकी लगाई गई ये जैक जो है कामयाब होती है या नहीं, सामने वाला बंदा इतना अप्रोचेबल है या नहीं, उसकी पहुंच के बाहर रहेगा या उसकी पहुंच के अंदर रहेगा, देखिए। इसी कारण इस वर्ष भी हमने ये काम शुरू जल्दी किया और जल्दी ही उससे निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे, माँ धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे आप जानते ही हैं, गाय के गोबर से बने उपले, जिसे थेपड़ी भी कहा जाता है। मैं बाल्टी में पानी भर भर के माँ को पकड़ा रहा था। कुछ ना कुछ बातचीत भी हम दोनों कर रहे थे, हम दोनों ही थे, इसलिए ये सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए, मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। एक बात तो है बेटा, अपने हर किसी से कोई भी बात छुपा लो, लेकिन माता जी से, अपनी प्यारी माँ से हम कोई भी बात छिपा नहीं सकते। माँ ने कहा, तू ही बता, मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। बरहेला सुअर, जंगली सुअर। कौन गुर्राता है, पिताजी। तो माँ कहती है, भाई मैं तो इस मामले में बड़ी असहाय हूँ, मैं तेरी किसी तरह की मदद नहीं कर सकती। माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था, यानी माँ को जंगली सुअर एक भयानक ऐसा प्राणी नजर आता था जिससे माँ अंदर ही अंदर बहुत कांपती थी। और उस सुअर की छवि किसमें दिखाई देती थी, उस पति में दिखाई देती थी, जब वो अपने पुत्र की पढ़ाई की बात उससे कहती थी। अब खेती के सभी काम बीत गए, यानी खेती का सारा काम हो चुका, मेरे लिए अब तो कुछ करना ही नहीं रह गया। इसलिए कहता हूँ, दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। अब यहाँ गांव का सबसे ऑनरेबल बंदा है दत्ताजी राव, यानी मान लीजिए सरपंच होना चाहिए या कोई बड़ी पोस्ट वाला बंदा होना चाहिए, जिसके हुक्म को सभी मानते हैं, इसके हुक्म की तामील की जाती है और कोई भी इसके कार्य, इसके द्वारा दिए गए आदेश की अवज्ञा नहीं कर सकता। तो लेखक कह रहा है अपनी माँ से कि तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह, आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं भी चलूंगा तेरे साथ, तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता देना, तो वे दादा को अच्छी तरह से समझा देंगे, दादा को यानी पिताजी को। माँ कहती, भाई ठीक है, चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि क्या पता पापा इस बात को माने नहीं माने, लेकिन मेरा मन रखने के लिए माँ जाने के लिए तैयार हो गई। मेरी तड़पन वो समझती थी, सातवीं तक पढ़ाने की उसके मन में भी तैयारी थी, यानी माँ भी ये चाहती थी कि मेरा बच्चा और नहीं तो सेवंथ क्लास तो पास कर ही ले, लेकिन दादा के आगे उसका बस भी नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गई। देखो क्या प्लानिंग होती है, दोनों माँ बेटे वहां क्या जैक लगा करके आते हैं और पापा जी को किस तरह से आड़े हाथों लेते हैं। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया, वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देते हैं, यानी अय्याश व्यक्ति है, उसका खुद का पति अय्याशी भरी जिंदगी जीने वाला है। रखमा बाई कोई गांव की ही एक ऐसी महिला है जिसके साथ वो बाजार में पूरा दिन गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। माँ ने देसाई को ये विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसीलिए उसने मेरा पढ़ना बंद करके मुझे खेती में जोत दिया है। यानी माँ बेटों ने जो कुछ सच्चाई थी वो दत्ताजी राव सरकार के आगे कह दी।
ये सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूं कि नहीं, अच्छी तरह देखना। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा कि अब जनवरी का महीना नजदीक है, परीक्षा भी पास में ही है, मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ जाऊं और पढ़ाई की दोहराई कर लूं, यानी थोड़ा बहुत भी रिवीजन कर लूं, तो मैं अभी भी कक्षा में सारी तैयारी कर लूंगा और परीक्षा में पास हो जाऊंगा। अब जो भाई इस लेखक को इतना विश्वास है अपने ऊपर, इस तरह मेरा साल भी बच जाएगा और खेती में से ऐसा कोई काम भी नहीं बचा है, तो मेरे पहले का साल भी जो बेकार चला गया उसका भी खामियाजा भरपाई कर लिया जाएगा। ठीक है अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वो आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे से घड़ी बर्बाद तू भी आ जाना रे छोरा। इस तरह से दत्ताजी राव ने प्रत्युत्तर दिया। जी कहकर हम भी खड़े हो गए। उठते उठते हमने ये बात कही, हमने यहाँ आकर ये सारी बातें कही हैं, ये उनको मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, ये बता देंगे तो अच्छा रहेगा। ऊपर से ये और प्लानिंग की गई कि पापा जी के आगे ये मत कह देना कि हम दोनों आए थे, ये सोच ये कह देना कि माँ ही आई थी साग भात देने के लिए बस। फिर दत्ताजी राव कहते हैं ठीक है मुझे जो करना है मैं करूंगा, देख उसके सामने तुझसे भी कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर दे देना, डरना मत। तो अब लेखक क्या कहते हैं, नहीं जी। और मैं माँ के साथ लौट आया, एक घंटा रात बीते, दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने के लिए देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। तो दादा अधीरता से पूछता है, कुछ काम वाम था? तो माँ वो बता रही है, मुझे तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो पिता क्या जवाब देते हैं, तो मैं वो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले, गणप्पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना। गणप्पा कौन? उसका खुद का इकलौता बेटा, जबकि ये पता नहीं वो घर में मौजूद है। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ, देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए बहुत सम्मान की बात थी। बाड़ा आपको पता है बहुत खुला और बड़ा, विस्तृत अहाता या आंगन है ना, जो बिल्कुल खाली है, तो बहुत बड़ा भूभाग जो बिल्कुल खाली रहता है उसको बाड़े की संज्ञा दी जाती है स्थानीय भाषा में। तो लेखक कह रहा है कि उस समय राव सरकार जो है उसके बाड़े का बुलावा दादा के लिए यानी पिता के लिए बहुत सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने उससे कहा, जा तू जा, कहना जीम ने बुलाया है, जीम ने यानी खाना खाने के लिए आपको बुलाया है, यानी प्लानिंग थी। अब मम्मी ने कहा आधा घंटा बीत चुका है तू भी चला जा भाई, यही बहाना बनाना कि आपको घर खाने के लिए बुला रहे हैं। बेटा कहते हैं अच्छा, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी ही राह देख रहे थे। अब सरकार क्या पूछता है, क्यों आया रे छोरे? उसने जवाब दिया, दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। फिर सरकार जी बोल रहे हैं, बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया ही है, बैठ मेरे पास। और लेखक कहता है, जी कह के मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव फिर पूछने लगे, कौन सी कक्षा में पढ़ते रहे तुम? तो मैंने जवाब दिया, जी पांचवी में था लेकिन अब नहीं जाता। तो दत्ताजी राव ने कहा, क्यों रे? तो उसने जवाब दिया, दादा ने मना कर दिया, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने दादा से पूछा, क्यों रे रत्नप्पा? उन्होंने कहा, हाँ जी। तो वापस जो दत्ताजी राव है वो पूछते हैं, फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया, जिरह करना व्यंग्य बाण चलाना, तर्क वितर्क करना, क्या कहते हैं देखो। जैसे ही जिरह करना शुरू किया सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई यानी हालत खराब कर दी। देसाई के खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ रहा ही नहीं, मन लगाकर खेत में श्रम करता नहीं है, फसल में लागत लगाता नहीं है, लुगाई बच्चों को खेत के काम में जोत कर खुद किसी तरह से गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है, और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह से छोरे के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। ये सारी बातें उन्होंने दादा को सुनाई, किसने? दत्ताजी राव ने। दादा ने हर एक तर्क को दादा ने जो तर्क दिया दत्ताजी राव ने उसको काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर, किसी भी तरह तेरा साल नहीं मारा जाए, इस बात का ध्यान रख। यदि किसने तुझे पढ़ने के लिए नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, सुबह शाम जो हो सकेगा वो काम यहाँ कर, पाठशाला जाता रहना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे, इसके पास जरा ज्यादा बच्चे हो गए है ना, इसलिए ये तुम्हारे साथ कुत्तों का सा बर्ताव करता है। इस तरह का उन्होंने व्यंग्य किया, किसने? दत्ताजी राव ने।
अब दादा क्या कहते हैं, देखो मैंने कब मना किया जी इसको, इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई, इसीलिए पाठशाला से निकलकर जरा नजरों के सामने रख लिया। ये लो जी, पापा ने वापस पलटवार किया, बेटे को ही गलत ठहरा दिया, ये गलत संगत में पड़ गया, इसलिए स्कूल से निकलवाया और अपनी आंखों के सामने रखा। दादा बोले भाई नहीं, दत्ताजी राव बोले कैसी आदतें। अब दादा क्या कहते हैं, चाहे जैसी यहाँ वहां कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, कभी सिनेमा देखने जाता है, कभी खेलने जाता है, खेती और घर के काम में इसका ध्यान ही नहीं रहता। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। अब दत्ताजी राव पूछते हैं क्यों ये छोकरे, तो मैंने भी जवाब दिया नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए, पटा पर यानी जो ये प्रतिस्पर्धा होती है ना गांव में, जो ग्रामीण परिवेश में हाट या मेला लगता है उसमें छोटी बहुत पर प्रतिस्पर्धा होती है, जिसमें मुर्गों की लड़ाई करवाई जाती है या फिर कुछ और ऐसा जैसे रेस करवाई जाती है घोड़ों की या दूसरे जानवरों की, है ना, तो पटा पर पैसे लगा दिए, एक तरह से सट्टा लगाना। दादा भी तो कभी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते थे, इसीलिए खेत पर गोबर बिन बनकर माँ से कंडे थपवाए, उन्हें बेचा, फिर उससे कपड़े बनवाए और उसी में से एक बार सिनेमा भी गया, मैंने भी झूठ और सच मिलाकर वापस ठोक दिया। कौन कह रहे हैं, लेखक। अब देखिए, अब ये सब बंद कर दे, सिर्फ पढ़ाई में मन लगा, ना पास हुआ है कभी, यानी कभी ऐसा भी रहा है कि तू कभी असफल हुआ है? नहीं जी नहीं, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसीलिए परीक्षा में नहीं बैठा, ये लेखक ने जवाब दिया। तो अब वापस दत्ताजी राव कहते हैं अच्छा अच्छा अब तू घर जा, सवेरे से पाठशाला जाने लग जा। जी कहकर मैं उठ खड़ा हुआ, बाहर निकलते निकलते मैंने सुना क्या कहते हैं, देखो दत्ताजी राव कह रहे हैं अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है, सही है क्या ये? तो अब दादा कहते हैं जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मार कर कहा, इस समय उसका कोई बस नहीं चल रहा था, यानी दादा भी दत्ताजी राव के आदेश के समक्ष बिल्कुल विवश थे। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे की होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाना। बताओ अब बच्चे का देखो पढ़ाई में कितना मन है, पर फिर भी जूझ, फिर भी संघर्ष, यहाँ पर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, यहाँ पर भी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, यहाँ पर भी लेखक को जो है संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। अब पापा जी ने वहां कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ सीमाएं बांध दी, अब उन सीमाओं को पूरा करेगा तभी तू 11 बजे स्कूल जाएगा। क्या कहते हैं, देखो खेत पर सुबह हाजिर हो जाना, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला चले जाना, वापस आते ही आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर के घंटा भर ढोर चराना, ढोर यानी जानवर, छोटे जो जानवर है भेड़ों का या बकरियों का जो झुंड है उनको चराने जाना, और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना, यानी जब अगर खेत पर ज्यादा काम हो गया तो इसका मतलब स्कूल में तेरी प्रेजेंस शो नहीं होनी चाहिए। दादा कहते समझे, मंजूर है का? तो लेखक कहते हैं हाँ, खेत में काम करना होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए, मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझ पर सारी बातें मंजूर थी, मन आनंद से उमड़ रहा था, यानी ये तो था कि चाहे कितनी भी तुम मुझसे काम करवा लो लेकिन 11 बजे तो मैं स्कूल जाऊंगा और मेरा मन खुश था। हाँ इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो ये पढ़ना लिखना किस काम का? लेखक कहता है मैं सवेरे शाम खेतों पे आता रहूंगा ना, हाँ यदि नहीं आया और किसी दिन तो देख गांव में जहां मिलेगा वहीं तेरे को कुचलता हूं कि नहीं, तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है ना, मुझे मालूम है बैलिस्टर नहीं होने वाला है तू, बैलिस्टर बैरिस्टर वकील नहीं बनने वाला। दादा बार बार पुरपुर पुरपुर कर रहा था, मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाना खाने लगा। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई, गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल ना करते हुए खेती के काम की चक्की में फिर 11 से 5 तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। क्या कहता है, देखो 11 बजे से लेके 5 बजे तक जो मेरी स्कूल का समय था, वहां का समय जो है खेती के काम में पिसीजने से तो मुझे मुक्ति मिल गई। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं बड़े मजे से सहन कर लेता था। अब क्या लगता है आपको, यहाँ पर भी ये खुश हो जाएगा क्या?
यहाँ पर भी इसकी स्थितियां जो है सुलझी हुई दिखाई देंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जूझ यानी स्कूल जाने के बाद भी जो स्कूल की परिस्थितियां हैं उसमें भी उसको संघर्ष करते दिखाई देगा। यानी यहाँ स्कूल जाने के बाद भी कई बच्चों के साथ उसके मतभेद रहेंगे, कई बच्चे उसको परेशान करेंगे और मजबूर कर देंगे कि तू स्कूल छोड़ करके अपने घर के अंदर ही खेती बाड़ी में सहयोग दे। लेकिन जब मन में आत्मविश्वास भरा होता है तो व्यक्ति के सामने हर तरह की परिस्थितियां भी हथियार डाल देती है। देखिए क्या होता है भाई, कुछ एक जो शब्द है वो स्थानीय भाषा के आए हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना और हास्यास्पद मालूम होंगे लेकिन फिर भी हमें गौर करना है। दोपहरी भरी की कड़क धूप में, अब जैसे आपको पता है गांवों में और ज्यादा गर्मी लगती है, पाठशाला की छाया में सारा समय व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीते, फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं थी, 5वीं ना पास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। 5वीं ना पास भाई, 5वीं क्लास पास नहीं हुआ है, इसलिए वापस से उसको 5th में ही जो है एडमिशन मिल गया। अटेंडेंस देखो क्या होती है, वो 5वीं के ही हाजिर रजिस्टर में लिखा रह गया था। पिछले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचानता नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ मुझे बैठना पड़ा। ये बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन उदास हो गया, मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है ये भी पता नहीं। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था, फिर भी लट्ठे के बने थैले में उनको लेकर आया। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे जैसे बैठा होता है, उसी तरह से मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। यानी एक बेंच पे अकेला बैठा रहा। क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देता है या गलती से कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे शरारती बच्चे चवाण के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उठाने के स्वर में पूछा। ये लो जी आ गए यहाँ खुरापति। देखो यहाँ पे भी रैगिंग हो रही है एक तरह से, यहाँ पे भी इस न्यू कमर के साथ इसकी इंसल्ट करने का कार्य किया जा रहा है। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। यानी नीचे मटमैली धोती जिसमें मैल दिखाई नहीं दे रहा था और सिर्फ गमछा पहनकर मैं स्कूल आ गया। देखिए देखिए तुम्हारा गमछा, कहते कहते उसने मेरा गमछा खींच लिया। गमछा क्या होता है, छोटा तोलिया या ऐसा दुपट्टा जो अपने सिर पर बांधने के काम में लिया जाता है, जिससे कान भी ढक दिए जाते हैं। गया अब मेरा गमछा, पूरी कक्षा में इसकी खींचतान होगी और ये फट जाएगा। मन में मैं ये सोचकर रुआसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने अपने सिर पर उसे लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज निकाली। इतने में मास्टर जी आ गए और वो गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती अंदर से धक धक करने लगी। रण नवरे मास्टर कक्षा में आए। रण नवरे नए टीचर है। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर साहब। तू कौन है? मैं जकाते पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर साहब, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। ये जवान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए उन्होंने उस लड़के की ओर कदम बढ़ाए। मास्टर जी मेरे बारे में और भी पूछताछ मास्टर जी ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। अब ध्यान दीजिएगा, पोइट्री सेक्शन का चैप्टर बढ़ा रहे हैं। कोई वहीं के लिटरेचर का कोई पंडित है जिसका नाम है वामन पंडित और उसके द्वारा लिखी गई कविता को वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाने में जो रिदम काम में ली जा रही है, जो लय ताल पंक्तियों का उठाव, पंक्तियों को विश्राम, पंक्तियों का बीच में जो विश्राम लिया जाता है, जो गैप लिया जाता है, इन सारी चीजों का पालन करते हुए जब लेखक ने पढ़ना शुरू किया, लेखक के मास्टर ने जब पढ़ना शुरू किया
तो लेखक के मन में आना या ऐसी एक रुचि, एक अंदर से उत्सुकता, एक आकांक्षा जागृत हुई। क्या कहते हैं, देखो बीच की छुट्टी में मेरी धोती का कांच उस लड़के ने दो बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौए के बच्चों को खुले में रख देने पर जैसे ही कौए चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया था। यानी कक्षा के अधिकांश बच्चे जो शरारती और चंचल थे वो मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रहे थे, अर्थात मुझे जो है कहीं ना कहीं अपमानित कर रहे थे, व्यंग्योक्ति मेरे ऊपर कस रहे थे और मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा, कल देखते हैं कि ये अपने पढ़ने के इसी रुझान के कारण किस तरह से एक अच्छे साहित्यकार के रूप में, और साहित्यकार के अलावा ही और वो किस भाषा के साहित्य को समृद्ध बनाने में, कविता वाचन में, उपन्यास लेखन में अपना जो हुनर है वो दिखाते हैं, इसके विषय में जानकारी कल की कक्षा में हासिल करेंगे। आज की कक्षा में आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।